हमेशा के भाई तुम गिर मर जाओगे, मत करो। मैं बोल रहा हूँ तमीज से नीचे जाके ना छलांग मार लो, माई से नहा धो के निकल जाते हैं। चाहे मजा क्या आएगा, देख तो सही इतना ऊंचा है मैं अपन। वैसे मेरी फट रही है, मगर अपने ऊपर चढ़ गए, हम नीचे नहीं जाएंगे। अब मैं यार मैं नहीं कर रहा, तुम कर। अभी मैं जाऊंगा जिस तरह से, वैसे तुम मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। अब मैं यार कहीं मुंह वो ना टूट जाए। अरे नहीं टूटते लड़के, एक काम, यहाँ से मैं मारूंगा छलांग। 3, 2, 1 गो। उतनी खैर हुए यार, आ रहा हूँ यार, अजीब यहाँ से मारूंगा। 3, 2, 1 गो। ओए 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 शाबाश। अबे रुक जा रुक जा, ओए भाई निकलो भाई निकलो, ओए इधर से उधर होता ना मेरा मुंह वो टूट जाता। अबे मुझे पता था नहीं टूटेगा भाई, इतना सा तो है तेरा भाई, इससे भी ऊपर जो है अगर होता ना छलांग मार लेता। आजा ये आजा आजा मोटे आजा, आ गया आ गया, आजा भाई आजा आजा आजा। आए हाय मजे आ रहे हैं, क्या बात है, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। आए ना आए मजा आए, नहीं करेंगे नहीं कर नहीं कर, पानी में नहीं मारा कर भाई, भी लग लग जाएगी, ठंडा पानी है। आए हाय इतनी गर्मी के अंदर थोड़ा नहाने का ही मजा अलग है। वैसे तुमने कितने पैसे दिए? 1000 रुपये लड़के एक दिन के। एक बंदे के 1000 रुपये सही है यार, बड़ा सस्ता है। लांती के बच्चे महंगा है। अबे है भी तो खाली। हाँ ये बात भी खाली भी है। अरे तेरे खैर, चल मेरा भाई चल मेरा भाई। अबे तो तुम अपने घर में क्यों नहीं नहाए जाके, तुम्हारे घर में भी तो स्विमिंग पूल है, मेरे घर में भी है। अबे यार वो छोटा स्विमिंग पूल है ना, इसलिए मैंने बोला यार इधर चलते। रुक 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 मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ यहाँ से छलांग मारूंगा। अबे पागल हो गया भाई ये तो। 1 2 अबे ओ रुक जा रुक जा रुक जा, गलत हो गया। क्या कर रहे हो? अबे तुमने लाइट तोड़ दी। अबे क्या ये पत्थर छोड़ यार, तू भी मारेगा। नहीं नहीं मैं तुम्हें देख रहा हूँ, चल जाइए। 1 2 3 को। अबे क्या कर रहे हो? अबे सब्र कर यार। हाँ 1 2 3 को, ये बात। ओए मोटे तू भी मार, मजा आ रहा है मजा आ रहा है। मैं नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, मैंने नहाना धोना हो गया, मैं नहीं नहाऊंगा अब। रुक जा यहाँ से भी मारूंगा छलांग में। अबे किधर किधर से मार रहे छलांगे? मारने देना, तफरी आ रही है यहाँ से। 3 2 1 ओ तेरे खैर। आय हाय हाय ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। आ जा मोटे, आए छुट्टा छुट्टा मारू मैं ज़रा। अरे मोटे पिएगा? नहीं नहीं मैं नहीं पीता, मेरे से ना शाणा नहीं बनने का। अबे यार कभी कभार पी लेता हूँ। हाँ अभी पिएगा? नहीं नहीं अभी नहीं यार अभी नहीं, रोज़ रोज़ थोड़ी, मैं महीने में एक दफ़ा पीता हूँ, तुम्हारी तरह नशीड़ी थोड़ी हूँ। हाँ ये बात भी, धूप बड़ी हो रही है लड़के, धूप बड़ी हो रही है। मैं क्या करें यार, धूप का क्या इलाज थोड़ी है कोई। मैं तो बोलूँ चलते हैं भाई फैसल भाई, फिर बोलेंगे लेट हो गए तुम मंडी के लिए। खुद ही संभालता रहे, वो हमसे तो कुछ काम नहीं करवा रहा। अबे थोड़ा बहुत काम होते हैं। अबे छोड़ भाई छोड़, खुद ही करता रहेगा, अपन तो अभी आराम से खाना वाना खा के, अभी बता क्या खाएगा। मैं हाँ यार स्विमिंग करके ना भूख लग रही है, मैं तो बोल रहा हूँ कोई चलते हैं बर्गर वर्गर फोड़ कर आते हैं। ये बात लड़के तू इधर रुक जरा, मैं जो ना कपड़े चेंज करके आता हूँ। चलो सही है, तुम कपड़े चेंज करके आओ, मैं इधर ही रुका हूँ। हाँ तूने तो कपड़े चेंज नहीं करे। अबे ऐसे सही है ना। आर और मैं पेंट शर्ट पहन कर आ रहा हूँ अपनी, सब्र कर। आ जा लड़के चलते हैं यार अब। शुक्र है भाई थोड़ा नहाने को मिला, मज़ा आ गया। और नहीं तो क्या, वैसे इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं तो बोल रहा हूँ रोज़ ही आया करेंगे। अबे रोज़ रोज़ थोड़ी फैसल आने देगा, आज तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने बोला नहाए धोएं थोड़ा जो है ना स्विमिंग पूल के अंदर, थोड़ी तफरियाँ करें। क्यों मोटे? हाँ मज़ा तो आया यार, इतनी धूप हो रही है ना, लू लग गई थी भाई। और नहीं तो क्या, आज चलते हैं भाई चलते हैं। चिकन बर्गर खाएगा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाएगा? अबे नहीं नहीं बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा यार दिल नहीं कर रहा। चल आ जाए फिर, बर्गर खाएँ पिएँ और फिर निकलते हैं अपना मंडी में। हाँ ये भी है, आ जा भाई। पेट्रोल भी डलवाना है भाई, इस पे पेट्रोल भी खत्म है। हाँ तो डलवा लियो भाई, डलवा लियो। हाँ डलवाऊंगा डलवाऊंगा, चल भाई। कौन से वहाँ जाने बर्गर लेने? मैं तो बोलूँ ये बर्गर लैब पे चलते हैं। हाँ यार ये है ना अपना इश्फाक भाई की दुकान पे, इसरार भाई की दुकान पे, जो सिगरेट तुम जहाँ से लेते हो। हाँ समझ गया, वहीं चल लो। हाँ वहीं ले लो।
वैसे तेरे बाप ने अभी तक ना मंडी का सेटअप नहीं देखा। अबे यार वो गांव में इतना क्या करें। ये बात भी है यार, कितना रश हो रहा भाई आज। देख कर भाई रश बहुत हो रहा है आज, पता नहीं आज क्या है। मंडे है ना, सारे जो ऑफिस के लिए निकल ले होंगे, वापिस आ रहे होंगे। शाम का टाइम हो गया, 4:30 हो रहे हैं। अच्छा, अबे नहाते नहाते टाइम का पता ही नहीं चला भाई। वही तो। अबे काकू पिस्तल यार, कुछ तो कर, गर्मी का कुछ तो कर। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, मेरा तो शर्ट चकरा गया। और शाला मंडी के अंदर भी कोई भी नहीं आया, 3-4 बनने हैं आज तो। फैजल भाई रात को आएंगे। वो एक काम कर, आगे पीछे पोल पे चढ़ और बुंदा मार। ओके फैजल भाई, ऐसे ऐसे काम नहीं चलना, नहीं तो आए गर्मी। अबे तू तो अपने लिए लेकर आए, मेरे लिए नहीं ला सकता था। फैजल भाई मेरे पास 50 रुपये थे। अबे यार पैसे लेकर जाटा चाले। चेट यार चेट, बड़े चौड़ में मंडी खोली है, बुलबुल के इलाके में मंडी खोलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन बात है। ओए होए, बड़ी रोने के लगी हुई है। आजा शफीक, अभी देखता हूँ इसको। बड़े बोर्ड लग रहे हैं ये। अच्छा ये है, आजा बुलबुल, अब मंडी को छोड़ेगा नहीं। अबे शफाक किधर जा रहा है बे? फैजल भाई वो देखो पुलिस वाले। अरे इंस्पेक्टर साहब आप इधर किधर? अच्छा जानवर चाहिए। अरे काकू पिस्तल बोतल छोड़, साहब जी को जानवर दिखा तगड़े से तगड़ा। हाँ जानवर तो मैं देखूँगा, मगर सबसे पहले तुझे तो देख लूँ। मतलब ये बड़वे, इधर तूने परमिट लिया है मंडी लगाने का? जो तूने मंडी लगा ली बुलबुल के इलाके में। किसके? बुलबुल के इलाके में। चुलबुल? अबे चुलबुल नहीं बुलबुल। अरे यार चुलबुल पांडे तो सुना था, ये बुलबुल क्या है भाई? साहब जी क्या हो गया? अरे इंस्पेक्टर बुलबुल चुलबुल लुल्लुल है क्या बोल रहे? अरे ओ सॉरी मेरा मतलब चुलबुल पांडे नहीं, बुलबुल। हाँ बुलबुल, इंस्पेक्टर बुलबुल। अगर आपको कोई चाहिए हफ्ता वगैरह तो बोले ना। बुलबुल लेगा तो सही। अच्छा तो लेंगे, मगर तेरी गांड और दूंगा डंडा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखें इंस्पेक्टर साहब, आप जो है एक बिल्कुल ही नफ शरीफ और नफ इंसान के सामने इतनी गंदी बातें नहीं बोल सकते। हाँ शरीफ और नफ इंसान, इलीगल मंडी का तेरे पास का लाइसेंस या परमिट है? तूने गवर्नमेंट से लिया है क्या लाइसेंस? हाँ क्यों, पतलून गीली हो गई ना गाड़ी में बैठा के? ओए शफाक लॉकअप में डाल के इसी गांड के अंदर डंडा देंगे। लेकर आए इसको। अरे इंस्पेक्टर साहब सुने तो सही। आ जा बेटा आ जा, ये तो मंडी गई, अभी रुक जा। ये SHO साहब को मैं फ़ोन करता हूँ। सलाम साहब, ये बुलबुल के इलाके में मंडी लगाई थी। हाँ ये पूरे की पूरी नफरी भेजो मोबाइलों के साथ, इसकी मंडी तोड़ो बहुत सड़ी आलेगी। हाँ ओके चलो बैठ गाड़ी में बैठ। अरे इंस्पेक्टर साहब आप माइकल भाई को नहीं जानते? कौन माइकल? ये बुलबुल का इलाका है, इधर माइकल वाइकल नहीं बुलबुल की चलती है। बैठ इसमें। अरे इंस्पेक्टर साहब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ इस वक्त अगर नहीं बैठता ये। अरे इंस्पेक्टर साहब आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप ले लो यार हफ्ता दिहाड़ी ले लो, आप मेरे से यार ये ना करो। अभी तो तेरे को लेकर चलूंगा ना ताने, वो भी लॉस एंडोस के। अभी तो आप बोले थे कि ये बुलबुल का इलाका। वे बुलबुल का इलाका ही है, इधर मैं पेट्रोलिंग करता हूँ। और तेरे को इजाज़त कितने थी मंडी लगाने की? अरे यार आप एक दफ़ा माइकल भाई से तो बात कर ले। अबे मैं किसी माइकल चुत्तू माइकल को नहीं जाता। अबे बेटा आपकी पूरी नस्लें बर्बाद कर देगा साले। लेके जा बेटा लेके जा, माइकल को पता चला ना माइकल छोड़ेगा नहीं। हाँ देख लूँगा माइकल को भी, अभी तू चल मारे साथ। नहीं उस्ताद नहीं बोल रहे आप। हाँ इस वक्त डंडा देना जाते साथ ही, इसको पता तो चले कि मंडी इसने किधर लगाई है। मजा आई यार हर चीज करके। बेटा आजकल तुम बड़े फिदा हो, पैसे वैसे खर्च कर रहे हो।
अरे क्या करें यार, फिर तू रोता रहता है कि मेरे पैसे खर्च करवा दिया। मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है फैसल भाई, खिलाते पिलाते नहीं है, तुम तो फिर भी खिला देते हो। ये बात है, फैसल बहुत कंजूस इंसान है, हरामी के पास पैसा बड़ा मगर हरामी लगाता नहीं है, अपने ऊपर ही खर्च करता है। अबे ये बात तो है। आ जा यार, चलते हैं भाई मंडी की तरफ, देखते कितनी रौनक लगी हुई है। हाँ यार देखेंगे भाई, धड़ाधड़ जानवर बिक रहे हैं, पैसा ही पैसा। और नहीं तो क्या, आराम से जो है ना मंडी ख़त्म होने के बाद पार्टी शार्टी करेंगे फुल बाहर जाकर। मतलब फुल एकदम ना कहीं फार्म हाउस वगैरह पे जाएंगे, कहीं बीच वगैरह पे जाएंगे, फुल पार्टी शार्टी करेंगे ईद के बाद। ये तो तुम बात सही बोल रहे हो भाई। बेटा तुम्हारी गाड़ी की ना रेड मार रहे हो तुम मंडी पे ला ला के। अरे यार बस क्या करे, तुम लोग की गाड़ियाँ चलाई नहीं जाती। अबे ये क्या सीन है, हैं अबे पुलिस आई भी है। अबे ये क्या है, ओए साइड पे ले, साइड पे। हाँ एक मिनट एक मिनट, देखो देखो क्या सीन है। अबे लांती, अबे पुलिस आई भी है मोटे। अबे क्या कर दिया ऐसा, रुक जा देखने दे, एक मिनट रुक। अबे यार ये क्या बिल्डोजर भी आया है, अबे क्या क्या आया है, एक दो तीन चार, पूरी नफरी है भाई, पूरी नफरी है मोटे। अबे यार क्या करें, आजा देखते अंदर चल के, देखते क्या सीन है भाई। आजा बैठ बैठ बैठ, मैं कहीं अपन को ही ना पकड़ लें। मैं देख कर चलाओ यार ये। अबे ये हरामी आई है, निकल भाई यहाँ से, मेरे पीछे पीछे आ रहा है कुत्ता। देख कर देख कर भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे साहब जी अंदर जा रहे हैं, वो जानवर लेने। मंडी सीज हो गई है, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, वो बंदे को मैंने पैसे दिए हुए थे। कौन सा बंदा? यहाँ से सारे बंदे स्टार्ट हो गए। वो जो गंजा था उसको तो पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। हमें ऑर्डर से कि यहाँ पर किसी को घुसने नहीं दे, पूरी की पूरी मंडी तोड़ेंगे। हैं ये कब हुआ? सर जी एक दफ़ा अंदर जाके देखने देते हैं, हम बस जानवर देखने आए थे। मैं समझ नहीं आ रही, दफा हो जाओ यहाँ से। अबे अच्छा ना यार, हमें क्या करेंगे अब? रुक जाइए ना, कुत्ते के बच्चों को कहाँ से लेके जाओगे अब? रुक जा, एक जगह है मेरे पास, पीछे से जाके देखते हैं क्या सीन है। अबे ये क्या बोल लेंगे, फैसल भाई को भी ले गए। अबे ये मुझे क्या पता कि कहाँ लेकर गए, वो तो बोल रहे पुलिस स्टेशन, मतलब फैसल को अरेस्ट कर लिया गया फैसल। अबे क्या कर रहा है इसने, अपन तो चुपचाप यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। पता नहीं क्या किया यार इन्होंने। हमें देख कर आ जा इधर, आ जा। हमें किधर से लेके जा रहे हो? हाँ तो सही, तू एक दरवाज़ा बंद करा कर, रुक जा देखने इधर थे कोई। ओह नहीं नहीं, शुक्र शुक्र यहाँ कोई नहीं। आ जा जल्दी आ जा। आ जा इधर कोई भी नहीं इधर। आ रहा हूँ। रुक जा। अबे ये क्या बिल्डोजर, यहाँ तो हमारे टेंट लगा हुए थे उभार दिए। आ जा मोटे। हमें देख कर, अबे वो देख काकू पिस्टल बैठा हुआ है। काकू पिस्टल इधर। हमें वो सुनाई नहीं दे रहा। ओए मोटे ये तू इधर रह। नहीं नहीं मैं भी आता हूँ। अबे तू इधर रह, मैं उसको लेकर आ रहा हूँ, सबर कर। अबे अपनी मंडी के अंदर चोरे छुपे जाना पड़ रहे। ओए काकू पिस्टल आ जा जल्दी इधर। साकी भाई अबे चुप कर अभी अपनी बकवास बंद रख, इधर मेरे साथ साथ जल्दी आ जा, पुलिस आई पूरी नफरी है भाई। आ जा ओए मोटे हट। हाँ हट गया। आ जा काकू पिस्टल इधर। ओ भाई इधर बता हुआ क्या है? फैसल भाई को पकड़ के ले गए पुलिस वाले। है कब? आधा घंटा पहले। अबे तो ये रुक क्या करना है, उसको क्यों पकड़ा, उसने कुछ हरकत करी थी, क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला कि फैसल भाई के पास परमिट नहीं है। फिर
मेरे फैसल भाई को पकड़ के ले गए। क्या बोलना चाह रहे? फैसल भाई को पकड़ के लेके गए। हैं? फैसल भाई को पकड़ के लेकर गए। अबे हाँ ना, सुन लिया, आगे बता। और वो बोल रहे थे कि ये पूरी मंडी टूटेगी, तभी तो ये बिल्डोजर आया है। अबे तो जानवरों को, वो बोले जानवर को हम कहीं और मतलब अपने साथ ही ले जाएंगे। अबे हरामी के बच्चे, इधर आ, इधर आ, इधर इधर गाड़ी में बैठो। बे यार शिट, माइकल भाई को फोन करना पड़ेगा, ये क्या सीन हुआ है? अबे किधर गए ये लोग? आगे 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 आगे, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ काकू पिस्टर, जल्दी बैठ। अबे देख कर भाई, देख कर। मोटे माइकल भाई को कॉल लगा। हाँ एक मिनट, लगाता हूँ लगाता हूँ लगाता हूँ। मेरे पापा कॉल ही नहीं उठा रहे। एक तो तेरा बाप भी ना टाइम पे कॉल करो तो उठाता है कभी। अबे ये बात तो है, जब टाइम आता है तब कॉल ही नहीं उठाते। अबे तुम तो गाड़ी सही चलाओ। अरे यार अभी टेंशन इतनी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस बस देख कर चलाओ। एक काम करो, घर पे ले लो, पापा आज घर पे होंगे। अरे तुझे क्या पता? हमें पता है ना, बस तुम लेके चलो। हाँ तो चल लेके जाता हूँ, तू एक काम कर, ट्राई करता रहे। वो काकू पिछले पूरी तफसील से बता। फैसल भाई को उठा के लेके गए। अबे आगे बता। फैसल भाई को उठा के लेके। अबे यार चुप कर तू, तुझे कुछ बोलना भी नहीं आता। हाँ नहीं तो। अबे यार काकू पिछले तू पूरा शुरू से बता, हुआ क्या था? अच्छा जी मैं भाई, हम तो बैठ के बातें कर रहे थे। हाँ फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस वालों ने फैसल भाई को धमकाया और उनको बोला कि अपना मंडी का सर्टिफिकेट और अपना परमिट दिखाओ जो गवर्नमेंट से लिया है तुमने मंडी लगाने का। फिर बोल रहे थे कि अपना फैसल भाई को बोल रहे थे कि अपना आप मेरे से रिश्वत ले लो। अच्छा तभी तो नहीं? नहीं नहीं, फिर फैसल भाई ने बोला कि माइकल भाई को आप जानते नहीं हैं, ऐसे ऐसे करके उसको फिर फैसल भाई पुलिस वाले ले गए। पुलिस वाले का नाम क्या था? पुलिस वाले के नाम बुलबुल। बुलबुल? मैं चुलबुल तो सुना था, बुलबुल पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। अबे मैं भी पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ। खैर अभी निकलते हैं, काम करते हैं, तेरे घर पे होंगे तो बाप तेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, घर पे चलते हैं तेरे। मैं कुछ होगा, माइकल भाई कुछ करेंगे यार। एक तो यार चुपचाप अपने अपनी मंडी का काम कर रहे थे, सुकून से नहीं बैठते। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर गैंग वैंग का कोई मसला हो जाएगा, और ये तो भाई कुछ और ही सीन हुआ है। मुझे भी यही लग रहा था। खैर तुम लेकर चलो घर पे, तुम गाड़ी देख कर चलाओ। हैं अबे यार चुप हो तू, सारे डायलॉग मिक्स हो रहे हैं। चल भाई तेरा घर भी आ गया मोटे, बस तेरा बाप घर पे हो, फ़ोन तो उसने उठाया ही नहीं है। अबे यार पता नहीं, पापा को जब टाइम होता ना तब उठाते ही नहीं है। ये बात तो तू सही बोल रहा। खैर अभी चलते हैं, फैसल को भी फ़ोन लगाया, वो भी कॉल नहीं उठा रहा। अबे तो क्या उसको पुलिस वाले लेके गए तो उसका मोबाइल हाथ में होगा? ये बात तो तू सही बोल रहा है। अंदर ले लो, अंदर ले लो, अंदर ले लो। हाँ ले रहा हूँ। अरे वो रे पापा। अबे तेरा बाप ही है, क्या कर रहा है? माइकल भाई, माइकल भाई, माइकल भाई, माइकल भाई, माइकल भाई। अबे क्या कर रहा है साकिब? अबे अबे माइकल भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तो योगा कर रहा हूँ। अबे यार माइकल भाई तुम्हें मैं फोन कर रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे? मेरा तो फोन चार्जिंग पे। अबे यार माइकल भाई भंड हो गया। अब क्या भंड हो गया यार, मंडी कैसे चले? उसी का तो सीन हो गया, पुलिस वालों ने सारी रेड मार दी, सारे के सारा जो है ना मंडी का मतलब कब्जा कर लिया उस पर, बोल रहे फैसल के पास परमिट नहीं था। मतलब अरे यार पता नहीं पुलिस वाले उठा के ले गए फैसल को। अबे तो क्या किया है? अबे यार माइकल भी बोल रहे थे कि ना उस गवर्नमेंट से तुम लोग ने इजाज़त लिया, परमिट लिया है मंडी लगाने का, इलीगल मंडी लगाई हुई है तुम लोगों ने। तो फैसल ने क्या मंडी का लिया नहीं था? अबे माइकल भी कहाँ से लिया था साला? तो इसको अक्ल होनी चाहिए कि लॉस एंजेलोस में मंडी लगाने के लिए परमिट लगता है, ये पहले वाले रूल्स नहीं है जैसे हम चुपचाप लगाए करते थे। अरे यार माइकल भी क्या करें अब? कहाँ लेके गए? ओए काकू पिछले किधर लेके गए? माइकल भाई लॉस एंजेलोस के पुलिस स्टेशन लेकर गए। अच्छा अच्छा वहाँ पर? हाँ जी माइकल भाई। इंस्पेक्टर का नाम? बुलबुल, बुलबुल। हाँ वो माइकल भाई बुलबुल। आ जा चल के देखते, तू गाड़ी अंदर ही लेकर आ गया। अबे तो माइकल भाई और कहाँ लेकर आते, जल्दी आओ तुम। आ जा आ जा आ जा। अबे ये भी ना अकल के अंधे हैं। पापा अब क्या होगा? क्या होगा, जाके छुड़वाते हैं उसको और क्या होगा। अबे साकिब बैठ यार। आ रहा माइकल भाई।
चलो चलो माइकल भी जल्दी लेकर चलो। हाँ लेकर चल रहे हैं यार, लेकर चल रहे हैं। माइकल भी तुम्हारे इंस्पेक्टर जानने वाले बुलबुल। अबे कहाँ से इंस्पेक्टर जानने वाले, पागल हो गया? ये तो नया आया मुझे लग रहा है। पहले का इंस्पेक्टर तो सुफियान था। हाँ तो माइकल भाई तुम्हारे जानने वाला है ना। अबे उसका ट्रांसफर हो गया, अब नहीं जानने वाला। तो माइकल भाई छुड़वाएंगे कैसे? अबे देखते ना जाके क्या सीन है, क्या फंड मारा है इसने। अजीब है यार, मैं तो सोच रहा था ये पूरा मतलब परमिट लेके काम कर रहा है। भाई तो माइकल भी हमें क्या पता कि परमिट वर्मिट भी लेना पड़ता है, तुम्हें बताना चाहिए था ना। हाँ सब कुछ मैं बता, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। अभी पापा अभी लड़ने का टाइम नहीं है, अभी निकालो तुम, पुलिस स्टेशन निकालो। हाँ वही चल रहे हैं, वही चल रहे। अबे माइकल भी क्या कर रहे हो? अबे यहाँ से शॉर्टकट मार रहा हूँ ना, ये देख। अबे माइकल भी तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं है ये। अबे रहने दे यार, वहाँ से लंबी पड़ती। अबे रेड मार दी पूरी गाड़ी की। अरे माइकल भी क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अबे कुछ नहीं सीधी हो जाएगी, ये देख। अरे माइकल भी क्या हो गया, गेम नहीं है ये, असली जिंदगी है। इंसान का बचपन गेम ही है। अरे यार वो बात नहीं कर रहा। अबे छोड़ो सागे भाई यार, पापा तो हैं ऐसे। आज देखते। हाँ आज आज चल के देखते क्या सीन है। अबे यार माइकल भाई जब भी कोई तरीके का काम करने का सोचते हैं यही भंड होता है हमारे साथ। अबे चल के देखते ना, कोई भंड नहीं हुआ अभी। खाली लग रहा है पुलिस स्टेशन तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, ये इंस्पेक्टर बुलबुल कहाँ है? वो तो नीचे है। अच्छा नीचे है जी। अबे यार आ जाओ, जा सकते हैं हम नीचे? जी आप जा सकते हैं। आ यार एक तो ये इतना स्लो बोल रहा है, आ जा जा नीचे चल के देखते हैं। ये बुलबुल बहुत चौड़ा बन गया, हमारे बंदे को डाके लेके गए। अबे क्या पार्टी का बंदा है जो लेकर गया, उसने गलत काम किया, परमिट नहीं लिया। अबे किधर है जी, तो लग रहा है नीचे लॉकअप पे बंद कर दिया, उसको डंडे लगा रहे होंगे। अबे ऐसा लग रहा है गैंग में आ रहा हूँ। अरे सलाम इंस्पेक्टर बुलबुल, आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ इंस्पेक्टर बुलबुल, बोलो कौन हो तुम? अरे तुम तो वही बिलबोर्ड वाले बंदे हो जो मंडी वाले। हाँ मैं वही हूँ, वो हमारा एक बंदा था, आप उठा के लेके आए किसी को मंडी से। अच्छा वो बड़ा फैसल हरामी जो बंदा है, अरे बड़ा गालियाँ दे रहा था बुलबुल को और उसको डंडे मार के अभी लिटाया है। अरे साहब जी किया क्या है? अबे साहब जी क्या किया है, तू भी शामिल है, तेरे को तो हमने उधर से पकड़ा नहीं वरना तू भी अभी अंदर होता। ओ देख कर मिल से नहीं उलझो, पता नहीं है मैं कौन हूँ। कौन है बे तू? बुलबुल के इलाके में मंडी लगाएंगे। अच्छा मुझसे मिल सकते हैं? हाँ मिल लो मगर बेल नहीं होगी। हाँ वो तो वक्त बताएगा, आओ मिलते हैं उससे। कहाँ है ये? अरे माइकल भाई शुक्र है आ गए आप। माइकल मंडे लगाए, अबे तो तू इधर क्या कर रहा है? अरे बस यार माइकल भाई किस्मत का खेल है, मैं अब अंदर हूँ। यार माइकल भाई छुड़वाओ यार। अबे ये तो मान ही नहीं रहा, मेरा जो दूसरा था वो तो है ही नहीं, जो यहाँ पर पहले काम करता था उसकी तो पोस्टिंग हो गई। यार माइकल भी ऐसी बात ही नहीं करो यार, मैं क्या करूँगा मंडी के साथ, क्या वो ये बोल रहा था कि सारी मंडी तोड़ेंगे। हाँ यार माइकल भी वहाँ पर पूरी नफरी लगी हुई और वो मंडी तोड़ने का तैयारी कर रहे हैं। और जानवर? पता नहीं माइकल भाई जानवर यहाँ क्या करेंगे। यार माइकल भाई इससे बात करो यार। यार बात करता हूँ, साबर कर साले। आ यार इसको भी अंदर डाल दिया। देखें इंस्पेक्टर बुलबुल आप कुछ ले देंगे नहीं, हो सकता तुझे भी दूँ क्या? देखें आप मुझसे उलझे नहीं, ठीक है? आपने मुझे नहीं पकड़ा, आपने जिसको पकड़ा है ना उसकी बात करते हैं अभी। आप बताएं कितने चाहिए आपको पैसे? बुलबुल रिश्वत नहीं लेता, बुलबुल का असूल है। देखें अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो इसको तो यहाँ से छुड़वा के लेके जाऊँगा, फिर आपकी पोस्टिंग भी अच्छे तरीके से करवाऊँगा मैं। आप शराफत से बता दें कि आप कितना लेंगे कितना देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ हाँ बता दिया, क्या करना है साकिब? यार माइकल भी बम बनाए यार। अच्छा एक होगा पूरा अभी के अभी? नहीं नहीं बुलबुल कभी रिश्वत नहीं लेता। अबे डेढ़? बुलबुल कभी रिश्वत नहीं लेता। चल सेट है, तू अपनी ये जुबान पकड़, इसको तो मैं निकाल के रहूँगा।
आजा। अरे माइकल भी आ जा यार, आजा, इसको निकालते हैं बाद में, अभी मैं भी क्या बोलूँ यार। पापा क्या करेंगे? बता दो क्या करेंगे, ये बहुत चौड़ा बन रहा है। ओए एक मिनट इधर आओ। क्या क्या माइकल भाई? आजा आजा आजा, एक मिनट फैसल को बात करता हूँ मैं। जी माइकल भाई। अबे वो तो सुन ही नहीं रहा, वो बोल रहे मैं रिश्वत नहीं लेता। यार माइकल भाई यही तो मसला है, वो बोलते हैं कि लूंगा। हाँ वो मुझे भी यही बोल रहा था। अरे तो माइकल भाई इसको चमाटे कराओ, उसको पैसे दो ना। अबे 1.5 करोड़ की ऑफर दे दी, नहीं मान रहा। माइकल भाई ये कोई लंबी चीज़ है। अबे हाँ कोई लंबी फ्लाइट है ये, तू एक टेंशन नहीं ले, तेरा बंदोबस्त करता हूँ। अरे क्या मतलब क्या माइकल भाई, क्या बंदोबस्त क्या करता हूँ? मंडी का सेटअप ही है, ये लोग तोड़ फोड़ हैं, उसको बचाना है अभी फिलहाल। यार माइकल भाई मेरे को तो निकालो। अबे तू ये बता, तूने परमिट नहीं लिया था? यार माइकल भाई मुझे क्या पता परमिट भी लेना होता यार, ये तुम अजीब, तुम्हें पता तुम बता देते। मैंने तो देखी नहीं अभी तक मंडी, वो तोड़ने की बातें कर रहे हैं। यार माइकल भाई क्या है यार माइकल भाई, तू टेंशन नहीं ले, तुझे तो निकालूंगा मैं, कल परसों तो खाता हूँ। ठीक है माइकल, मस्ती है यार आपकी। हाँ ओके ओके। माइकल भाई निकालेंगे कैसे? अबे बाहर तो आओ। इंस्पेक्टर साहब अभी सोच लें, नंबर लिख लें आप मेरा, अगर इरादा बदल जाए तो आ जाना मेरे घर पे। नहीं नहीं बुलबुल का इरादा कभी नहीं बदलता, बस सेट है फिर आ जाओ। पापा आप क्या करेंगे? बताता हूँ क्या करेंगे। यार इसको भी निकालने, क्या फटीक पड़ गई। साकिब वो मंडी का कोई बचने का चांस है? माइकल भी वो तो मान ही रहे थे, वो तो भाई लेकर आ गए थे बड़े बड़े डाले। तो यार वो तो यहाँ जानवर है उसका? माइकल भी उसका नहीं पता यार, वो तो अब एक काम ही करना पड़ेगा, रात के अंधेरे में सारे जानवर ना चप्पड़ करके लेके आने पड़ेंगे। वहाँ पर नफरी कितनी है? माइकल भी पता नहीं कितनी है, बहुत सारी थी वहाँ तो, अच्छे खासे बंदे थे। माइकल भी एक काम करो, आप उसकी टेंशन नहीं लो, आप फैसल को यहाँ से निकलवाओ, मैं मंडी का देखता हूँ। चल सेट है, तेरे पास कुछ आइडिया है? यार पापा साकिब भाई जैसे बोल रहे हैं, अपन बड़े बड़े ट्रक लेके जाएंगे, ठीक है, 2-3 ले जाएंगे, मतलब हम 3 बंदे ना 3 ले जाएंगे बड़े वाले ट्रक, ठीक है। अच्छा हाँ, तो रात के अंधेरे में उन सारे जो भी पुलिस वाले ना उनको टपको के उनको बेहोश वगैरह करके ना जानवर निकाल लेंगे वहाँ से, भले मंडी तोड़ दें वो लोग। अभी तो जानवर बेचेंगे कहाँ पर बाद में? अरे यार वो बाद में देख लेंगे, फैसल भाई को तो निकालेंगे फिर। हाँ ये बात भी है, आ जा बैठो यार गाड़ी में। अजीब क्या फटीक पड़ गई यार माइकल भाई, मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। मैं हम तो जो है ना सुबह से निकले हुए थे। तुम लोग कहाँ थे? माइकल भी हम तो यार वो जरा यहाँ पर स्विमिंग पूल में नहाने वगैरह गए हुए थे तफरी करने के लिए, मैं और जिमी। पता नहीं पीछे हम मंडी वापस गए अपना, तो ये सीन हुआ हुआ था, ये काको पिस्टल वहाँ पर बैठ के रो रहा था, इसको भी छप्पड़ में निकाला है अपन ने वहाँ से, वरना तो वो अंदर घुसने भी नहीं दे रहे थे। अच्छा पीछे का रास्ता है वहाँ से? हाँ माइकल भी पीछे का एक रास्ता है, वहाँ से आराम से छप्पड़ में ना अपन जानवर भी निकाल सकते हैं आराम से। चलो सेट है, तुम एक काम ये करो, आज रात के अंधेरे में ना जानवर को निकालो, ये जो जानवर है ना इसको मैं देखता हूँ। हैं कौन से जानवर? अबे ये तो जेल में एक जानवर बंद हुआ है। सही बोल रहे हो फैसल भाई, जानवर से कम नहीं है। हाँ माइकल भाई ये बात भी है, खैर आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। सेट है सेट है।